अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज चेक करें मेरी लुकिंग, वेल ड्रेस लग रही है कि नहीं। लग रही होगी, अगर नहीं लग रही तो खैर। तो आज आपके भाई को भी दावत है, एक इफ्तिताह पे, एक मार्ग का इफ्तिताह होने जा रहे हैं फतेह जंग में। तो उधर आपके भाई को भी दावत है कि आपने भी आना है ज़रूर। तो अभी हम जा रहे हैं, आगे से एक दोस्त ने मुझे पिक करना है क्योंकि बाइक उसका होगा। ये तो बाइक है, दुकान पे खड़ा करेंगे फिर उसके बाइक पे जाएंगे। तो वो मुझे पिक करेगा, तो फिर जाते हैं। बाय द वे आज मौसम भी अच्छा है, तो चले चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा, अब ये समझ नहीं आ रही कि भाई ने मुझे पिक किया है कि मैंने बाइक को, पर चलो अभी हम पहुंच चुके हैं कोट फतेह खान। इतनी गर्मी में यार क्रिकेट कौन खेलता है, इनको समझाओ। अच्छा, तो ये कोट फतेह खान का अड्डा है जहाँ बसें शसें खड़ी होती हैं, और मैं सोचते हुए कि मुझे ग्लासेस कितनी प्यारी लगी हुई हैं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच। मोबी कुछ टाइम बाद हम पहुंच चुके हैं जी कोट मोड़ पर, और फतेह जंग जाते हुए सब रास्तों में से ये रास्ता मुझे तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ बहुत सी सफाई है और दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। बाय द वे पीछे बैठने वाले हर आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि अभी बाइक चलाने वाला हमको गिरा देगा, बट ऐसा होता नहीं है। अच्छा चलें, अभी हम 50 रुपये का फ्रेश ऑयल डलवाने लगे हैं। अच्छा, क्या आपने कभी महसूस किया या आपने कभी देखा है कि कोई एम्बुलेंस किसी पेट्रोल पंप पर ऑयल या गैस डलवा रही हो? मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा है तो कमेंट ज़रूर करें। अभी हम फतेह जंग के हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ की सबसे बड़ी निशानी फतेह जंग में दाखिल होने की ये रोड है जो कई सालों से ऐसी ही है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी चासा वाली डेयरी। इसको चासा वाली डेयरी क्यों कहते हैं ये तो फतेह जंगी दोस्त ही बता सकते हैं। हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं, हम असद इकबाल हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हैं जहाँ हमको दावत मिली है। अच्छा, हम थोड़े से लेट हो गए हैं, तो रिबन तो कट गई है लेकिन रश काफ़ी है। तो ये ले जी, हम अंदर आ गए, आप पहले चीज़ें मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे हर किस्म की मसाले जात, हर ब्रांड की चाय, नूडल्स, मीठे की तमाम अशिया, बच्चों के दूध, चीनी, शक्कर, दालें, तमाम इकसाम के शैम्पू, सर्फ, बर्तनों का शैम्पू, साबुन वगैरह। यहाँ पर बच्चों के खिलौने भी मिलेंगे, सॉरी जहाँ खिलौने हैं वहाँ औरतें काफ़ी हैं, वीडियो नहीं बना सका। यहाँ फुल कंप्यूटर प्रिंट बिल मिलेंगे। यहाँ मेहमानों को खिलाने खिलाने के लिए ले के जा रहे हैं, बट ऐसे लगता है जैसे लड़ाई हो रही हो। हम भी इनवाइट थे तो हम भी बिरयानी खाने ऊपर आ गए। मेरे साथ जो दोस्त था उसने बिरयानी खाई, फिर हमने बाय निकल के एक वीडियो बनाई, और बाय की लुकिंग भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। फिर मुझे लेनी थी कार के लिए कुछ मिठाई, तो हम आ गए यम बेकर पर। उसके बाद हम काफ़ी थक चुके हैं, तो हम पियेंगे अभी पठान के पास से जूस, मैंगो मिल्क शेक पियेंगे, और इसके बाद हम चलेंगे घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कर, शेयर ज़रूर कर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर। अल्लाह हाफिज़।